वालों में संजोए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ये कार्यक्रम भटोड़िया वाले का पीपल और पार्टी करेगी, तो उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वो उस समय कृपया मंच पे उनके जो प्रभारी हैं वो ध्यान रखें। आज सभी इसमें गरिमा में उपस्थिति लेकर के पधारे, कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप सभी का देश के प्रति जो भाव है उसके लिए मैं स्वयं उपदर्शक की ओर से, संयोजन की ओर से, लाखों के तमाम नागरिकों की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए आभार ज्ञापित करता हूँ। सलामी दे कभी तवज्जो सलामी, ये डराया है ये मान सम्मान, कार मान और मान और सान की पहचान आपके समक्ष इस नीले गगन के अंदर आज के सूखा उल्लंघ और उल्लास सबका साक्षी बना है। आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हम मुद्रा में राष्ट्रगान का अपन सब वाचन करेंगे। राष्ट्रगान शुरू कर सॉरी, ये हमारे सलामी के बाद परेड का जो प्रदर्शन है हमारे अतिथियों के पास हमारे परेड का मुख्य लीडर पहुंच रहा है और वो आकर के निमंत्रण देगा अतिथियों को लेकर के अपने टुकड़ियों का अवलोकन करवाएगा। इस देश के नाम अपने कदम और अपने शरीर के संतुलन के साथ तैयार है अतिथियों से निवेदन किया है कि हमारी परेड की टुकड़ियां आपके निरीक्षण के लिए तैयार है और हमारे और इसके बाद में हमारे और इनके साइकिल कार्य करें।
यहाँ से वाकिफ हुआ स्थिति के साथ बच्चों के तमाम मिलते हुए और सेवा ताने हुए बड़े जोश क्रोश बड़े उल्लास उमंग और उत्साह के साथ बच्चे आगे बढ़कर भगवानी करते हुए एक पल छात्रों का ये पहला दल जो कि दोनों राष्ट्रीय छात्र विद्यालय लाखों के छात्र दल है ये अपने दल को ताने देखने और सलामी देने परेड में वो मंच को सलामी अर्पित करें। मैं अतिथियों से भी निवेदन करूंगा कि आप कृपया इनकी सलामी स्वीकार करें, सलामी की मुद्रा में आप इनकी सलामी स्वीकारें। इन गौरव विद्यालय के दल के पीछे महात्मा गांधी विद्यालय से 41 छात्रों का दल जिनका नेतृत्व कर रहे हैं प्रहलाद और उनके साई के रूप में यूनिट, ये अभी नई टीम है हमारे अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय संचालन करने की विभाग की और सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण मंशा कि आज का जो समय है वो अंग्रेजी के महत्व को जिस तरह से स्वीकारता है उसी तर्ज को स्वीकारते हुए हमारे हर गांव के अंदर लगभग अंग्रेजी विद्यालय सरकारी विद्यालय के रूप में संचालित हो इस नाते महात्मा गांधी विद्यालय और इनके पीछे हमारे सुभाष बोस उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडू इनके रामनिवास पूर्णिया और करण सिंह के नेतृत्व में 40 छात्रों का है। सुभाष बोस विद्यालय भी अपने आप में एक पहचान बनाए हुए उत्कृष्ट, चाहे हमारे खेलकूद की हो चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हो, तो हम इनके लिए भी यहाँ से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और इनके पीछे सूर्यमल गुटोड़िया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडू जिनका नेतृत्व कर रही है मीनाक्षी डांगे और रश्मि चौहान, 33 छात्राओं के साथ ये दल मन से गुजर रहा है सलामी देते हुए और ये इस बात का प्रतीक है कि छात्राएं भी किसी भी तरह से छात्रों से कम नहीं है और वाकई कम नहीं है। कुदरत ने सिर्फ लैंगिक परिवर्तनों के अलावा सारी क्षमताएं पुरुष और महिला को समान रूप से दी हैं और आज की ये बेटियाँ आज की हमारी महिलाएं जिस तरह से हमारे सर्वोच्च पदों को सुशोभित कर रही है उससे इस बात का स्पष्ट लग या परिचय मिलता है कि हम किसी भी मायने में कम नहीं है। इसी कड़ी में इनके पीछे सुभाष उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडू की छात्राएं दल के लिए थे, आपके पीछे केसर देवी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं जिनमें मुस्कान एंड मुस्कान दोनों प्रतिनिधित्व करती हुई 40 छात्राओं का ये दल मन से गुजर रहा है और बहुत ही सुंदर एक सफेद केक और तिरंगे पट्टे के साथ ये दल इस देश के प्रति आज का जो जोश है वो प्रदर्शित करता हुआ बढ़ रहा है। कट्टल धर्मी बच्चियों की ओर से अपने बच्चों के लिए और इन्हीं के पीछे सूर्यमल गुटोड़िया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडू की छात्रा इनका नेतृत्व कर रही है नंदनी भार्गव और ये 14 छात्राओं का दल हमारे समक्ष झंडे को सलामी देते हुए अतिथियों को अपनी सलामी देते हुए बढ़ता है और इनके पीछे केसर देवी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का छात्रा ये जूनियर दल, मैं आपका ध्यान पुनः आकर्षित करवाना चाहूँगा कि यहाँ हमारे केसर देवी के 2 दल हैं, 20 की संख्या में ये छात्राएं उनसे सलामी लेके उधर के लिए सरोज मैडम से आग्रह करूंगा कि वो आगे की तैयारी को संयोजित करते रहें ताकि समय जाया नहीं हो। कि हम यदि आह्वान करें तो ऊपर धरा के वीर सपूतों भारत मा ने पुकारा है, गले गले की मूर्ति है, खुद भी लुटाया है, जन जन ने आज नया उल्लास बरसाया है। ऊपर धरा के वीर सपा अपने बेटे की प्रसिद्धि, हर बेटे की सफलता, समृद्धि, उसका स्वास्थ्य और शिक्षा देकर के खुशहाल होती है। प्रार्थना की भी आज के इस अवसर पे यही अपेक्षा है, यही पुकार है कि हम सब शिक्षित हो, हम सब स्वस्थ हो, हम सब समृद्ध हो। इन भावों के साथ आज का ये बहुत है। हमारे प्रिंट मीडिया से हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, इन्होंने बखूबी पूरे प्रोग्राम को अपने कैमरों में और अपनी लिपि में संकलित किया है, संयोजित किया है और कल की जो झलके होगी आज के प्रोग्राम की वो हमारे बीच इन की अपने अपने स्थान के पास में ही है। मैं सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आगामी निर्देश इनके लिए प्रसारित करें। Good day.
मंच पर विराजमान लालू के उपखंड अधीक्षक एसडीएम अनिल गढ़वाल जी, तहसीलदार सुरेंद्र जी, प्रधान जी, चेयरमैन साहब, एसएचओ राजेंद्र कमांडो जी, शिक्षा विभाग से पधारे अधिकारीगण, बीसीएमओ मूलचंद जी और मंच पर विराजमान समस्त पार्षद, पूर्व पार्षद, जनप्रतिनिधिगण, यहाँ विभिन्न स्कूलों से आए अपनी प्रस्तुति देने इस झंडे को, इस स्वतंत्रता दिवस को अपना सम्मान देने या पधारे सभी स्कूलों से पधारे सारे बच्चे, आज आजादी का अमृत महोत्सव यानी 75 साल पूरा होने का जश्न पूरा भारत मना रहा है। आज से 75 साल पहले 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हुआ और इस आजादी में सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, और उसके बाद इस देश को अखंड रखने का, इस देश को आजाद रखने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो हमारी सेनाओं को, थल, वायु और जल सेना को जाता है। आज ये देश जहाँ सुई से लेकर किसी तरह की इंडस्ट्री नहीं थी, एक छोटी से छोटी चीज नहीं बनती थी, उससे लेकर यहाँ तक पहुंचा है जो एक आत्मनिर्भर भारत के तौर पर हम सब लोग जिस भारत में आज रह रहे हैं और विकसित देशों की श्रेणी में, विकसित देशों की लाइन में जाने की लड़ाई भारत लड़ रहा है। 1947 से पहले इस देश में राजतंत्र रहा, उसके बाद अंग्रेजों का राज रहा और जो नियम कानून कायदे चाहे राजाओं द्वारा लगाए गए या ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगाए गए, उनके बाद इस देश को एक लंबी लड़ाई के बाद विभिन्न तरह के आंदोलन हुए जिसमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस और अनेक आजादी के दीवाने जिन्होंने ये सपना देखा कि जिस तरह से पूरा विश्व एक आजादी में अपना जीवन यापन कर रहा है, एक आजाद देश के तौर पर स्थापित हो चुका है, वही हम लोग गुलामी की बेड़ियों से बंधे हुए हैं। उसमें कई हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की जान गई, कई लोग शहीद हुए, कईयों ने अपने परिवार त्यागे और एक लंबा आंदोलन हुआ जिसके बाद हम लोग आजाद हो पाए। आज 75वां साल है। मैं मेरी ओर से समस्त देशवासियों को, लाडनोवासियों को इस मौके पर एसएचओ साहब को और लाडनो पुलिस को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम कल, एक बड़ा आयोजन आपने यहाँ शहर में रखा और जो एक साथ शाम शहीदों के नाम, जिससे इन फंक्शन से, इन आयोजनों से हम आने वाली पीढ़ी को ये बता सकते हैं कि हम किस दौर से गुजर कर यहाँ तक पहुंचे और किन परिस्थितियों में भारत था और किन परिस्थितियों में आज भारत है। तो इस तरह के आयोजनों से देशभक्ति की भावना हम अपने बच्चों में, हम अपने आप में कि इस मातृभूमि के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या त्याग कर सकते हैं, क्या इसके विकास में इसको आगे ले जाने के लिए हम सब लोग काम कर सकते हैं, इस बात पर हम सब लोगों को सोचना चाहिए। और 2 साल के बाद आज ये मार्च पास्ट का पीटी परेड का कार्यक्रम रहा। नंद सिंह जी अभी कह रहे थे कि सिर्फ 4 दिन का अवसर उनको मिला, क्योंकि इससे पहले तय नहीं था कि किस तरह की सरकार की गाइडलाइन आएगी, ये कार्यक्रम होंगे नहीं होंगे, उसके बावजूद भी मैं नंद सिंह जी और समस्त स्कूल के जितने भी अध्यापक मौजूद है उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक अच्छी तैयारी आपने 4 दिन में करवाई और एक अच्छा आयोजन यहाँ रखा। नगर पालिका मंडल को, समस्त उपखंड अधिकारियों को बहुत बधाई। हाल में लाडू वासियों के देश प्रेम और देशभक्ति के जज्बातों को भी मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। जो सामाजिक
ताना बाना या भाईचारे को ठेस पहुंच सकती थी, वैसे अवसर पर भी सहा है और आगे ऐसा करते ही नहीं होने देंगे। ये उस मीटिंग में आपने कहा था, मुझे गर्व है आप पे, आपके भाईचारे पर, आपको बहुत बहुत सलाम। किंतु जिले में मैंने महसूस किया है, देखा है, जैसे बाल विवाह आज भी हम कर रहे हैं, मृत्युबोध आज भी हम कर रहे हैं, बीमार होने पे आज भी झाड़फूंक, मैं से भी अपेक्षा करता हूँ कि वे पूर्ण मनोयोग से सरकार की जो योजनाएं हैं उनको समाज के कमजोर और अंतिम कड़ी तक का जो आदमी है उस तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेगा और संकल्प लेगा। यानी शब्दों के साथ स्वतंत्रता दिवस की इस अमृत वेली वेला की आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली कड़ी संस्कार विद्यालय से होगी, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति होगी ये भी। और मेलोडी गायन एक हमारी सांस्कृतिक विधा की नई थीम है और उसके साथ ये प्रस्तुति होने जा रही है इस देवी की बालिकाओं की ओर से। जल्दी बने देखा आप हम देख रहे हैं अभी सावन भादो और वास्तव में उस रंग रूप और उस छटा के साथ हमारे बीच है। सुबह जब हम उठ रहे थे बूंदाबांदी जहाँ से मैं निकल के आया हूँ एमपी से और वो स्वागत करने वाले तो थी, यहाँ भी बूंदाबांदी थी और अब आप सबको वो उस खुशी में आपका साथ दे रही है और एक तरीके से इस कार्यक्रम में अपना खुशी के पल मिलाते हुए प्रकृति जहाँ साथ होती है समझ के चलिए हम हमारी सर्वोच्च सरकार के लिए इस कार्य को संयोजित कर रहे हैं और उस आभा को और उस आगाज के लिए भी प्रकृति आप सबके ऊपर मेहरबान है। यहाँ तो चूंकि सामने पेड़ कम है, हालांकि लगे हुए हैं छोटे छोटे पेड़ हैं, 5 साल बाद ये बहुत प्यारे लगेंगे। जहाँ मैं निवास कर रहा हूँ पहले का मतलब जहाँ खेत में रहता हूँ, खेतों की अभी छटा देखें आप तो ऐसे लग नजरिया
योजना के बारे में बतावा ताकि वही को लाभ उठा सके।
चलो चलो आज दिया बता रहा अरे दुनिया तो ध्यान रखी भी योजना को किसी योजना चिरंजीवी योजना कौन चलाई है मुख्यमंत्री चलाई है अशोक गहलोत काई एक महीने सिर्फ 10 लाख तो फ्री इलाज हुए काई काई चाहिए एक महीने सिर्फ आधार कार्ड मामा शाह जन आधार कार्ड चाहिए सिर्फ कोई बार वेतन से इलाज करवा ले मैं तो भाई फिर तो साधन उनका क्या बात है बात लगे तभी मतलब मां सरकारी बजट का बन पड़ी थे लोग अरे सुन मैंने हमारे बेटा जो बड़ा होता है मानते में क्यों पड़े रहते हो मां तो दे ही कराती हो मैं तो आपका इलाज करवा शाम अरे अभी योजना के बारे में बताऊं मैं किस योजना चिरंजीवी योजना हाँ डालडा मैं तो मंगो बात करी बात तुम गया हाँ कहता है वो मैंने इन 10 लाख तक फ्री इलाज हुई जमा करवाओ कटे मित्र पर यार गांव के व्यक्ति लूणा राम जी के घर जाते हैं और उनको इस योजना के बारे में बताते हैं लूणा राम जी इस योजना के तहत अपना इलाज करवाते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं हम सभी को आशा है कि हमारा नाटक आपको अच्छा लगा होगा अपने जीवन में दिया है अर्थात तो भावुक पल होती है जब इस तरह से हम जब मान और सम्मान देते हैं तो ये वो मान और सम्मान उस व्यक्ति की प्रतिपूर्ति तो नहीं कर सकता पुरस्कार प्राप्त किए हैं अपने सेवा या जीवन के दौरान आपने कई तरह के विभागीय और रक्षा के क्षेत्र में जी कारगिल युद्ध कारगिल का जो युद्ध हुआ था हमारे 99 उसमें आप बता रहे हो राजस्व विभाग में आप सेवाएं दे रहे हैं आपका मान और सम्मान मंच के ऊपर हो रहा है आपके लिए सभी खान जी बनावास नजीर खान जी बनावास बता रहे हुए इनके परिवार से मंच में सम्मान प्राप्त करें सिपाही अजीत खान ब्रिगेडियर सभी खान जी राइफलमैन मोहनलाल जी सुबेदार धन सिंह जी राइफलमैन ईश्वर सिंह जी हवलदार कान सिंह जी नायब हवलदार कैलाश सिंह जी ग्रेनेडियर अब्दुल मजीद नायक हनुमान सिंह जी सुबेदार दिलीप सिंह जी सुबेदार अस अली खान लाडमू आप सबसे आग्रह के आप मंच के पधारे आप सबके लिए मंच की ओर से इस आयोजन कर्ताओं की ओर से नगर पालिका की ओर से हमारे विधायक महोदय जी उच्च अधिकारी महोदय जी आप तमाम या जितने भी शरीक हुए हैं उन मानव मन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप और आपके परिवार ने इस देश के लिए अमूल्य सेवाएं दी है महत्वपूर्ण कार्य किया है और आपका मान और सम्मान उन्हीं के प्रति जरूर किया जा रहा है हमारे इस क्षेत्र की वीरांगना और उनके परिवारों का मान और सम्मान हो रहा है और ये मान और सम्मान जो है आज के इस अवसर का सबसे गरिमापूर्ण और सबसे कीमती और मूल्यवान सम्मान है इस सम्मान की बदौलत आज हम स्वतंत्रता का जीवन जी रहे हैं आजादी का सुख भोग रहे हैं और कहते हैं कि स्वतंत्र में अपनी इस ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे और इस स्थिति का अधिकतम उपयोग करेंगे और मेहरबानी आप देखें सरदार जी का सम्मान कर रहे हैं हमारे भाई सुशील जी शर्मा
कसुम्बी विद्यालय से है। इन्होंने कक्षा 12 के अंदर 87 वाणिज्य वर्ग के अंदर 87.8% अंक प्राप्त करके तहसील को टॉप किया है। लक्ष्मी के लिए जोरदार तालियां, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन अपनी है, इनके लिए यहां से शुभकामनाएं, साधुवाद। अनीसा बांगड़ा मंच पे है, इनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी कड़ी में मीटड़ी से हमारे शुभम सिंह पुत्र विजेंद्र सिंह है, जिन्होंने कक्षा 10 लवराज के प्रतिनिधियों को प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले, जोरदार ताली बजाए। ये हिलावटी एक कीर्तिमान स्थापित करने की ओर है खेल जगत के जो इतर के लिए बहुत ही सुंदर है। स्वागत का परिचय आप लोगों के द्वारा हुआ है, आगे भी आप बनाए रखें। इसी कड़ी में सुशील कुमार जी पिपलवा, अध्यक्ष व्यापार मंडल लाडनू, सामाजिक सरोकार और भामाशाह के रूप में रहते हैं, आपके लिए आज के इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर वीरेंद्र भाटी मंगल, निवासी मंगलपुरा। आप कल जेडीएस भारती के अंदर आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं और सामाजिक संबंध बनाने में, और भी सुमित्रा जी आ रही है सामाजिक कार्यकर्ता और पार्षद नगरपालिका लखनऊ, आप गांधीवादिता और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने में हमेशा अव्वल दर्जे पे रही है और आज आप हम सब देख रहे हैं आप ऐसे प्रोग्रामों में और जहाँ भी जरूरत रहती है आप सामाजिक सरोकार से जुड़े रहते हैं। आप महिला सशक्तिकरण के लिए भी कार्य करते हैं, आप पर्यावरण और समाज सेवा के अंदर आपने 1,00,000 रुपए लगा करके वाटर कूलर, मोटर और टंकी का निर्माण करके सहयोग प्रदान किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। कार्यकर्ता भामाशाह, आप गौरी विद्यालय के लिए विभिन्न प्याल निर्माण का कार्य करके, क्योंकि जहाँ जिसका सहयोग रहा है उस व्यक्ति तक ये प्रतिफल स्वरूप चीज जाती है, तो उनकी कोई भाव अधिकार में भाव पुष्ट होते हैं और आगे अच्छा वातावरण निर्मित होता है। आगे मैं आमंत्रित, और सामाजिक क्षेत्रों में जब आपका कार्य होगा तभी हमारे समाज का विकास होगा। आगे मैं नाम, लेकिन अब मैं आपको यहाँ से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए थोड़ा भारी भी महसूस करता हूँ कि आप यहाँ से विदा होंगे, ट्रांसफर आपका हो चुका है, मैं होने के नाते और प्रशासन की ओर से आप सम्मानित हो रहे हैं, तो मेरा दिल भी गदगद और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवाओं में बहुत ऊर्जा और ताकत होती है, तो मैं जागीर सर के लिए भी शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत गिडोदा मिठा और सम्मान, योग शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के फल स्वरूप किया जा रहा है, आपका बहुत बहुत मान और सम्मान करते हुए शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित कर रहे हैं, आपके लिए शुभकामनाएं बधाई। मनीष श्रीवास्तव कनिष्ठ सहायक भाई, इसी कड़ी में राजाराम जी स्वामी सहायक कार्य का निष्पादन करते हैं, उसी के फलस्वरूप तहसील साहब बहुत ही प्रसन्न। बूथ लेवल अधिकारी का एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, हमारे सभी अतिथियों के चेहरों से आपके जो भाव बधाई और शुभकामना के हैं वो आप लें, हमें सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आगे मैं राम कुमार जी बलोद कार्यक्रम प्रबंधक, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के लिए आप जो है सम्मानित हो रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है, स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। आप इसी उत्साह और जोश के साथ आगे भी कार्य को जारी रखें। श्री सरोना की तरह पशुओं में एक चुनौती बना हुआ है, उसको आप बखूबी निभाते हुए सेवाएं दे रहे हैं, शुभकामनाएं बधाई संदेश। कैप्टन नरेंद्र सिंह निवासी कसुम्बी से आधार परियोजना अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य लाडनू की ओर से विभागीय उत्कृष्ट कार्य करने में आपने बधाई। श्री दिलीप कुमार जी रेगर तकनीकी सहायक जीत हो रहे, आपका भी बहुत बहुत मान और सम्मान। हमारे दिल्ली के निवासी हैं, दिल्ली में भी आपने अच्छी सेवाएं दी है, साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई हुए हैं और आपका मान और सम्मान खेल और उत्कृष्ट बोर्ड परीक्षा परिणाम के ऊपर शुरू किया जा रहा है। इसी विभागीय उत्कृष्ट कार्यों के लिए हम जब सो रहे होते हैं तब आप जग रहे होते हैं, हम जब आप अपनी यूनिफॉर्म के साथ उसी मुस्तैदी के साथ उस चुस्ती के साथ ये बहुत ही सुंदर कार्य आपकी ओर से हुआ, तहसील कार्य लगे जैसे तहसीलदार जी बहुत खुश हो, बधाई और शुभकामनाएं। आगे नाम है मेरे पास अभिषेक जी, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंडियार, सफाई कर्मचारी तहसील कार्य प्रशासन गाँव के पुत्र बाबूलाल जी लोहिया, सफाई कर्मचारी नगर पालिका लाडनू, सफाई कार्य में महसूस करें अपने आप को, आप जो कार्य कर रहे हैं वो वास्तव में बहुत ही गरिमा का कार्य है, बहुत ही हम सब लोगों के लिए सेवा और सदा का कार्य कर रहे हैं,
आपके लिए मान और सम्मान शिक्षा विभाग की आप धरोहर है, आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पत्रकार अपना सुख दुख होते हुए लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए खून पसीना बहाते हैं, उसी श्रृंखला के लोगों को पसंद है और प्रिय, उसी लिहाज से आपके बहुत सारे कार्यक्रम जो होते हैं वो राज्य स्तर के राष्ट्र स्तर के होते हैं, उनको भूमिका अदा कर रहे हैं, तो ये ई मित्र कर रहे हैं और ई मित्र का संचालन करना एक जिम्मेदारी का लोटा कर्तव्य होगी। ऐसी की बात है, उनके लिए यहाँ से बहुत बहुत साधुवाद और सम्मान। ये हमारे आज के सम्मान